हेलो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यूज़ करने के बाद मेरी बॉडी में क्या रिजल्ट्स आए और मैं बात करूँगा कि ये कैसा ब्रांड है, इसके पहले मैं कौन से ब्रांड्स यूज़ कर चुका हूँ और क्यों आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ही खरीदना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोग बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से पहले मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था कुछ महीने, वो फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन था और अब मैं कई समय से यूज़ कर रहा हूँ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। परफॉर्मेंस हुए और आप देख सकते हैं, मैंने वैसे सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, सारे ब्रांड्स यूज़ कर रखे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आते हैं। तो अब अपन बात करते हैं क्यों ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, इंडियन ब्रांड्स यूज़ कर रखे हैं, फॉरेन के ब्रांड्स यूज़ कर रखे हैं, डायमेटाइज, जितने भी आप ब्रांड जानते हो, आइसोप्योर, मैंने सब यूज़ कर रखे हैं। और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मैंने आज से 2-3 साल पहले यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बट देन आई स्विच्ड ओवर टू डिफरेंट ब्रांड्स। पता नहीं क्यों, मुझे रीज़न अब याद भी नहीं आ रहा, बट ये था कि मैंने स्विच कर लिया था। बट अभी मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा है, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने यूज़ करा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन मैंने यूज़ करा और उनका जो BCAA आता है मैंने वो यूज़ करा। क्रिएटिन व्रिटिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो आई यूज़ ओनली 2 प्रोडक्ट्स, अमीनो करके उनका आता है जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का आता है। तो बेसिकली मैं आपको इसमें प्रोटीन का रिव्यू देने वाला हूँ। तो जो प्रोटीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल दो इसके अंदर स्वीटनेस डले हुए हैं, इट्स नॉट स्टीविया बेस्ड, जो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि अगर आप लिमिटेड क्वान्टिटी में कुछ भी खाते हैं तो वो हार्म नहीं करता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के 3 बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है, इट इज़ वेरी लाइट ऑन स्टमक। मेरा जो गट हेल्थ है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मुझे पता चल जाता है जैसे कुछ ख़राब खाऊं कि यार ये चीज़ मेरी बॉडी पे नहीं सूट करी। कुछ लोग सब कुछ पचा लेते हैं, तो कई ब्रांड्स हैं जो मेरी बॉडी पे नहीं सूट करते, पर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज़ वेरी लाइट ऑन माय स्टमक। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इनका फिल्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा है, उस वजह से मैंने नोटिस करा है कि जो ये है बहुत स्मूथली मैं गट डाउन कर पाता हूँ। उसके अलावा ये गैस फॉर्मेशन तो नहीं करता है। और जो मैंने एक चीज़ जो सेकंड नोट करी वो ये करी कि इसको लेने के बाद लिटरली रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं। अगर आप 4-5 महीने यूज़ करते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं। और जो थर्ड पॉइंट है जिसके लिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ वो ये है कि अब ये इंडिया में बनना भी शुरू हो चुका है, और पहले ये भारी बनता था, अब तिरुपति वाले इसको इंडिया में बना रहे हैं और इनके खुद के वेबसाइट हैं जहाँ से आपको मिल सकता है। ऑल दो इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप बाई एनी मीन्स, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि इंडिया में बन रहा है सो रिलेटिवली आप एक तो जो जेन्युइनिटी होती है उस पर आप थोड़ा सा रिलाय कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स जेन्युइन है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा तो देखो फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं कि उतना एक्सपेंसिव है। तो ये 3 इसके फ़ायदे हैं। नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ढंग की जगह से लें। थर्ड चीज़ जो है, जो मैंने इसमें फील किया कि इसको स्टीविया बेस्ड होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ये अभी भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे कि 950 और जैसे ये कुछ स्वीटनर्स के आप रेंज देखेंगे 950 होता है, 951 होता है, ये अच्छे स्वीटनर्स नहीं माने जाते हैं। तो स्टीविया बेस इनको यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना बड़ा ब्रांड है कि यूज़ भी कर सकते हैं। अब रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है तो मैंने फ़ोटो तो लगाई दी थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए प्रोटीन जब बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सालों साल लगते हैं रिजल्ट्स दिखने में। जब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं उस लेवल के। अगर मैं और अपने पुराने ब्रांड से कंपेयर करूँ जैसे ओजीवा, फास्ट एंड अप, इंडियन ब्रांड से, तो देखिए उसमें मुझे ये लगा कि उनको एक तो मिक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत ही स्मूद है। तो उससे भी पता चलता है कि वो ब्रांड्स में जो प्रोटीन यूज़ हो रहा है वो फिल्ट्रेशन मेथड उतना अच्छा नहीं है, या आप कुछ भी बोलो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग ऐसी चीज़ें नहीं इश्यूज लेकर आता है। उसके अलावा मेरे को इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इनसाइड योर बॉडी शुड ऑलवेज बी योर टॉप नॉच क्वालिटी। आई डोंट बिलीव इन पुटिंग बैड थिंग्स इन बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनसाइड माई बॉडी, क्योंकि एक बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो अगर ख़राब होगी तो रिकवर करने बहुत टाइम लगता है। आप कुछ भी और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ। ऑलवेज मेक श्योर टू पुट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनसाइड योर बॉडी, गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। आई नेवर आस्क पीपल टू गो फॉर चीप क्वालिटी वे प्रोटीन्स, क्योंकि एक तो वो आपको नुकसान करेगा, दूसरी चीज़ फ़ायदा तो करेगा ही नहीं, तो लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट गुड सप्लीमेंट्स इन योर डेली डाइट, गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स।
और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको, अगर आपका लगता है कि नहीं बजट से ऊपर जा रहा है, तो आप इसको हफ्ते में चाहे 3 से 4 दिन यूज़ करें, 2 दिन आप इंडियन ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करें। इससे आपकी ब्लोटिंग और गैस जैसी जो समस्या कई इंडियन ब्रांड से मैंने नोटिस करी है, जो कई लोगों को होती है, इस पर यूट्यूब वीडियोज़ बने हुए हैं, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मैंने कितना अपनी बॉडी में वेट कट करा। तो देखिए, मैंने लगभग 82 kg से मैं आ गया 77 पे, और फुल श्रेडेड बॉडी मैंने कर ली नेचुरली, एंड ऑल्सो आई एम ए वेजिटेरियन। इस प्रोटीन जो एग्जैक्टली मैंने आपको प्रोटीन दिखाया, मैं वही यूज़ करता हूँ। तो दिस इज़ ऑप्टिमम न्यूट्रिशंस परफॉर्मेंस वे, सो दिस वुड गिव यू अराउंड 24 grams ऑफ क्लीन प्रोटीन। उसके अलावा 4.5 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको इससे मिलता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं आईसी प्योर जितना अच्छा नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली आपके जो पोस्ट वर्कआउट एनाबॉलिक विंडो होती है उसके अंदर आपको कार्ब्स भी चाहिए होते हैं। सो मुझे ये प्रोटीन बहुत अच्छा लगा, मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, और 24 grams ऑफ प्रोटीन मिलता है। कई आप वीडियोस देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर लोगों ने लैब टेस्टिंग कराई है, तो इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आई है, 22 grams तक की एक्यूरेसी इसमें आ चुकी है, विच इज़ वेरी गुड। और आप लोग कहते हैं यार इसमें कार्ब्स ज़्यादा है, देखो इतना कार्ब्स मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कार्ब्स बॉडी में ज़रूरत होती है पोस्ट वर्कआउट, इनफैक्ट थ्रू आउट द डे भी आपको कार्ब्स चाहिए होते हैं प्रोटीन को शफल करने के लिए मसल पार्ट्स में। तो इतना भी आपको नहीं रिजिड होना चाहिए, कार्ब्स नहीं खाने। और मुझे ये प्रोटीन बहुत अच्छा लगा। एक साइड इफ़ेक्ट और जो मुझे इसका लिखा कि इसमें जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल है वो नहीं है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, पर इसमें वैसा आपको पता होगा इसकी बुराई इस ब्रांड की सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल है उसको नहीं क्लियरली शो कर रखा है। अदरवाइज़ मेरा, मैंने आपको बता रखा है कि मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं आपको वो भी एक बार डब्बे पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, 24 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है, 4.5 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, फैट बहुत ही कम है इसमें जो आपको इससे मिल रहा है, पर देखिए अमीनो एसिड प्रोफाइल इसमें नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। स्वीटनर जैसे मैंने बताया 950 और 955 यूज़ कर रखे हैं, जो कि कोई बहुत अच्छे नहीं होते आपके हेल्थ के लिए, स्टीविया बेस होना चाहिए। और इसमें ये भी नहीं बता रखा कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के बीच में कितना रेशो क्या क्या मिक्स करा गया है, तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। बट इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि स्वीटनर्स इतनी कम क्वांटिटी में नुकसान नहीं करते हैं, अगर आप दिन भर में और ना लें अपनी कॉफ़ी या कहीं पर। उसके अलावा आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में मुझे ऐसा लगता है कि आइसोलेट कम होगा, क्योंकि इनका जो सुपीरियर वर्जन है उसमें आइसोलेट ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आता है। और इस ब्रांड को यूज़ करने के बाद मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ब्लोटिंग, गैस जैसी दिक्कतें, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये है ना, मतलब इसकी मिक्सिबिलिटी ख़राब है या ये कुछ और इश्यूज़ हैं, वो सब मुझे नहीं फेस करना पड़ा। और जेन्युइनिटी की जहाँ तक बात रही, तो देखिए मैंने इनको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की वेबसाइट से ऑर्डर करा था, एंड आई ऑल्सो गॉट द कोड टेस्टेड, और मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई। सो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस ब्रांड इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल वेबसाइट, और या आप ले रहे हैं जो उनके वेबसाइट पे जिन शॉप्स का नाम मेंशनड है कि इनका उनसे टाइप है, तो अगर आप वहाँ से भी ले रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड वीडियो, सॉरी इट्स अ वीडियो तो अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 महीने वेट करना होगा, तब आपको थोड़े से रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे, तो अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं या ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि देखिए नॉनवेज से ज़्यादा अच्छी बॉडी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेजिटेरियन से आप अच्छी लीन बॉडी मेंटेन कर सकते हो, बट अगर आपको स्टेज रेडी बॉडी चाहिए तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जेनेटिक्स के अलावा उनकी डाइट बहुत समय से ऑन पॉइंट होती है। थर्ड चीज़, जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, आप किसी से भी पूछ लो, ये फैक्ट है। नॉनवेज लेकर आपको ज़रूरी है कि स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत पड़े, आप एक अच्छा प्रोटीन चला के, कुछ सप्लीमेंट चला के स्टे रेडी हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्लीन सोर्सेज उसमें होते हैं, जैसे कि आपका चिकन, एग्स, फिश, ये बहुत ही क्लीन सोर्सेज होते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर बॉडी बनती है।
ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। आप अपने गुरुजी से जाके पूछ सकते हैं, जिनसे भी आप ट्रेनिंग लेते हो, अगर वो आपको सच बताएं तो ये वीडियो हम यहाँ करते हैं एंड। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं बींग अ वेजिटेरियन। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट तो टॉप नॉच क्वालिटी का है और मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और जिन लोगों ने भी अपनी फिटनेस जर्नी करी है कभी ना कभी तो यूज़ करा ही होगा इस ब्रांड को। तो मेरे लिए तो भैया ये 5 में से मैं इसको 4 रेटिंग देता हूँ। एक सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज करी है। दूसरी चीज़, अपने प्रोडक्ट्स में स्टीविया यूज़ करो, बहुत दुनिया कर रही है। तो ये वीडियो होता है ख़त्म।